Let's discuss question number 22 now. Consider a system of two blocks of mass m and 2m connected by a light string that passes over a pulley of radius r and moment of inertia I as shown in figure. Assuming that the string does not slip on the pulley, if g is the acceleration due to gravity at the place, the acceleration of the block has a magnitude. तो हमें ये जो ब्लॉक होगा इसकी एक्सीलरेशन निकालना है. तो देखो ये जो 2m है ये वेट की वजह से नीचे की तरफ आएगा और ये जो m है ये ऊपर की तरफ जाएगा और इन दोनों के मोशन की वजह से यहाँ पर जो पुली है वो भी रोटेट करेगी, उसमें भी रोटेशन होगा. तो यहाँ पर हम कुछ रोटेशनल मैकेनिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू में एफ, आर एफ साइन थीटा भी कह सकते हैं. और अगर ये मान लीजिए आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो आप इसको आर एफ भी लिख सकते हो डायरेक्टली, जो कि मैक्सिमम टॉर्क होती है. एक हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा क्या, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि गिवन है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब रोटेशनल एक्सीलरेशन. एक हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रोटेशनल एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन होता है ए टी इक्वल टू अल्फा इंटू में आर. और एक हम इक्वेशन यूज करेंगे नेट, जो भी न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है वो बराबर होती है मास, उसका मास इंटू में उसका एक्सेलेशन. ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं. तो देखो अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये जो मास है ये नीचे की तरफ आ रहा है 2m, तो इसमें टेंशन जो लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी. लेट यहाँ पर टेंशन लग रही है T1 और इसका वेट नीचे की तरफ है लेकिन जा ऊपर की तरफ रहा है. इसका मतलब ऊपर एक टेंशन उसको ऊपर की तरफ ले जा रही है. मान लेते हैं कि ये टेंशन है T2 और दोनों का सेम एक्सेलेशन होगा ए. अब देखो इक्वेशन बनाएंगे हम फर्स्ट और सेकंड मास के लिए. मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट मास है और ये हमारा सेकंड मास है. तो फर्स्ट मास इस, अच्छा अभी के लिए मैं इसको मान के चल रहा हूँ इसका मास है m1. ठीक है, बाद में हम इसको m1 को 2m पुट कर लेंगे. m1 कितना है, m1 इक्वल टू है 2m और उसको मैं m2 मान के चलूंगा जिसका मास है m. मतलब मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ ताकि आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उस जनरल फॉर्मूला को अप्लाई करके आसानी से कोई भी क्वेश्चन इजिली कर पाओ. अब देखो ये m1 हो गया तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ m1g और इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है T1. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करूँ इस ब्लॉक के लिए तो नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलेशन के. अब क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका वेट ज़्यादा होगा टेंशन से, तो हम क्या करेंगे m1g में से माइनस कर देंगे टेंशन T1 को. ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड ब्लॉक के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे. अगर मैं सेकंड ब्लॉक को कंसीडर करूं जिसका मास है m, ठीक है अभी के लिए मैंने m को m2 माना हुआ है m2, तो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है T2 और इसका वेट होगा नीचे की तरफ m2 इंटू में g. अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर टेंशन T2 ज़्यादा होगी उसके वेट से, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सीलेशन. मास कौन सा ले रहे हैं हम, सेकेंड ब्लॉक का m2 है. इट विल बी इक्वल टू T2 माइनस में m2g. ध्यान रखना यहाँ पर हमने m1g माइनस T1 इसलिए करा है क्योंकि वेट ज़्यादा है और क्योंकि नीचे आ रहा है, और यहाँ पर T2 क्योंकि ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज़्यादा रही होगी उसके वेट से. देखो हमने क्या करा है मैं दोबारा बता देता हूँ. टॉर्क होगा R इंटू में T1 माइनस T2, तो क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली R इंटू में T1 माइनस T2 लिख सकते हैं. अब ये जो नेट टॉर्क होगा ये I इंटू अल्फा के बराबर होगा, अल्फा मतलब इसका एक्सेलेशन. अब आर टी वन माइनस T2 इक्वल टू कितना आएगा, आई इंटू में मैंने अल्फा को, क्योंकि अल्फा से हमें कुछ नहीं निकालना है, हमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं AT अपॉन में R. अब हमें A निकालना है तो पहले T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी A निकालने के लिए. तो देखो अगर मैं T1 की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक काम करते हैं T1 को आप इस तरफ ले आइए और इसको इस तरफ, तो T1 इक्वल टू आएगा m1g माइनस के m1 इंटू में a. ठीक है, T1 इक्वल टू m1g माइनस m1 है और T2 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसके लिए आप बस इसको इधर ले जाइए यानी कि m2a माइनस, अब देखो ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा m2g. ठीक है, T1 आएगा m1g माइनस m1 है, हमने इसको इधर इस तरफ लाया है m1g माइनस m1 है, और T2 आ जाएगा m2a प्लस में m2g. ठीक है, अब T1 माइनस T2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक काम करते हैं R को आप यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू आई
ए अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। टी वन माइनस टी टू कितना होगा, देखो अब इस इक्वेशन में से मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे ताकि टी वन माइनस टी टू की वैल्यू आ जाए। तो टी वन कितना है, टी वन है हमारे पास एम वन जी माइनस एम वन ए, फिर माइनस एम टू ए और प्लस के एम टू जी। हम एम वन एम टू की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, आई ए अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो ए वाले हैं उसको एक तरफ लगो, जी वाले को एक साथ रखो, तो ये एम वन जी और माइनस के एम टू जी, तो आप इसको लिख सकते हैं एम वन माइनस एम टू इंटू में जी। अब माइनस एम वन है माइनस एम टू है, तो आप माइनस साइन कॉमन ले लो अगर, तो आप इसको लिख सकते हो एम वन प्लस एम टू, और क्योंकि ए दोनों में ही है ना तो ए को हम कॉमन ले रहे हैं, तो आई ए अपॉन में आर का स्क्वायर। ध्यान रहे हमें ए निकालना, तो ये जो टर्म है एम वन प्लस एम टू इंटू ए, इसको आपको इस तरफ लाना होगा, तो यहाँ पर ये एम वन माइनस एम टू जी हो गया है, एम वन माइनस एम टू जी। अब इसको जब आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आई ए अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू में ए। अब दोनों में देखो आप ए कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन लेंगे, तो बाकी कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। देखिए इसको ए कॉमन लेते हैं तो ए अंदर बचेगा आई अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एम वन प्लस एम टू, ठीक है, और यहाँ पर एम वन माइनस एम टू इंटू में जी, तो ए इक्वल टू आएगा एम वन माइनस एम टू इंटू में जी डिवाइड में एम वन प्लस एम टू और प्लस में आई अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो सभी में आर के साथ एम आ रहा है, तो अब हम एम वन और एम टू की वैल्यू पुट करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। तो ए इक्वल टू एम वन कितना है हमारे पास, टू एम, तो टू एम माइनस एम, ठीक है, इंटू में जी डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, थ्री एम, थ्री एम प्लस आई अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू टू एम माइनस एम कितना बचेगा, एम जी डिवाइड बाय थ्री एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। सभी ऑप्शन में देखो तो ऊपर एम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम को नीचे लाना होगा डिनोमिनेटर में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जी अपॉन में थ्री एम अपॉन में एम प्लस आई अपॉन में एम आर का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू जी अपॉन में ये एम से एम कैंसिल होगा यहाँ से, थ्री प्लस आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा जी अपॉन में थ्री प्लस आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। तो अब सभी ऑप्शन में से अगर आप देखो तो यहाँ पर थ्री ऊपर भी आ रहा है, ऊपर थ्री नहीं आना चाहिए, नीचे थ्री और ऊपर टू आना चाहिए, तो एस टू नहीं होगा यहाँ पर, देखो जी अपॉन में थ्री प्लस आई एम आर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जी अपॉन में थ्री प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आप एक बार इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्मूला आएगा, तो आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर पुली का मास दे देते हैं, तो उस केस में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो